नमस्कार दोस्तों, बात आज होने वाली है भारतीय रेल की यात्रा के दौरान आप अपनी कंफर्म बर्थ पर तय समय से, रेलवे ने एक समय तय किया है उस समय से ज़्यादा देर के लिए अगर आप सो जाते हो तो आपको लग जाएगा जुर्माना। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस नियम के तहत कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद चीज़ों को समझ पाओगे। दरअसल इस वीडियो को शूट करने के पीछे एक कॉमेंट है, कॉमेंट मेरे पास आया है। कॉमेंट पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ये कॉमेंट में पहले एक लिंक दिया गया है, बाद में लिखा गया है, सर मेरा नाम जाह्नवी है, मैं देहरादून हूं, मेरा टिकट था देहरादून से लखनऊ 8 अगस्त की ट्रेन का। ये नया सोने वाला नियम सुनकर मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, बस से हम लोग यात्रा करने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ एक बीमार व्यक्ति है। रेलवे का ऐसा नियम नहीं होना चाहिए, आप प्लीज रेलवे को कंप्लेन करो इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि रेलवे की तरफ से एक समय रखा गया है यात्रियों के सोने का, जो है रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ऐसे में सोशल मीडिया या मीडिया पर एक खबर चलाया गया, एक झूठी खबर चलाई गई जिसमें कहा गया कि रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आप सो सकते थे पहले, अब जो है इस समय को एक घंटे कम करके रात के 9 के बजाय 10 कर दिया गया, यानी कि 10 बजे ही आपको सोना पड़ेगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि रेलवे का एक समय रखा गया है जो कि रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक है। तो क्या मैं अपनी सीट पर सुबह के 6 बजे के बाद सो जाता हूँ तो मुझे जुर्माना लगेगा? तो ऐसी कोई नियम रेलवे में है ही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए क्या होता है ना कि अगर लोअर बर्थ वाला अपनी सीट पर सो जाता है, वो बोलता है मैं नहीं हटूंगा, जाओ जो करना है कर लो, तो ऐसा चलेगा क्या? मिडिल बर्थ वाला कहाँ बैठेगा दिन में और अपर बर्थ वाला कहाँ बैठेगा? तो दिक्कत यहाँ पे होती है। तो ऐसे में हालांकि 6 बजे का टाइम रखा गया है तो 6 बजे तक तो कोई यात्री सोते नहीं, कोई कोई ज़्यादा सोते हैं, कोई कम सोते हैं। तो यात्री आपस में बात करके कि चलो भाई बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, या तो फिर चलो भाई सो जाते हैं अपनी अपनी सीट में, दिन में भी सो जाते हैं, ये कोई परेशानी नहीं, यहाँ कोई जुर्माना नहीं लग सकता है। दिन में सोने का मतलब जुर्माना आपको लगा दिया जाएगा? हद है भाई, मतलब ऐसी खबर कैसे मुमकिन है आपको ये लग रहा? लेकिन हाँ, अगर रात के दौरान आप अपनी सीट पर बैठने की कोशिश करते हो, दूसरे यात्री ऑब्जेक्शन करते हैं, या दिन के दौरान आप सोने की कोशिश करते हो, दूसरे यात्री ऑब्जेक्शन करते हैं, तब जाके वो शिकायत कर सकते हैं, जिसमें आपको जो नियम है उस नियम को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जुर्माना लगा दिया जाएगा, आप ये बुलाएंगे, बोलेंगे भैया जाओ अपनी अपनी सीट में, आप जो ये समय सोने का या बैठने का है तो बैठो। तो ये चीज़ है। हालांकि अपर बर्थ वाले के पास एक ऑप्शन है कि वो जब चाहे तब जाके सो सकता है अपनी सीट पर, क्योंकि ऊपर की सीट ऐसे ही लगी रहती है। तो ये सिर्फ अफवाह है। इसके साथ में एक और अफवाह भी चल रहा है कि आपको ट्रेन के अंदर आने के बाद 10 मिनट के अंदर टीटी को ढूंढ के अपना टिकट दिखाना होगा, वरना आपको आपका सीट जो है टीटी किसी और को दे देंगे, जो कि गलत है। जो नियम पहले था, यानी कि अगले स्टेशन पर भी आप जो अपनी गाड़ी को पकड़ सकते हो, अगले एक दो स्टेशन के बाद तक अगर आप नहीं आते हो तो टीटी किसी वेटिंग वाले को आपकी टिकट दे देंगे। ये 10 मिनट वाला कोई ऐसा नियम है ही नहीं, तो आपको ये टिकट कैंसिल नहीं कराना चाहिए था खुद को ना कंफर्म किए। इस तरह की झूठी खबरों के चक्कर में पढ़कर दोस्तों खुद को परेशान ना करें। अगर आप सच से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सच ही मिलेगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।